बिहार के चुनावी नतीजों को लेकर तेजस्वी यादव ने एनडीए और चुनाव आयोग पर धांधली का इल्जाम लगाया है। तेजस्वी ने कहा, बिहार की जनता ने वोट तो महागठबंधन को दिया, लेकिन एनडीए ने धनबल और छल का इस्तेमाल कर जनादेश बदल दिया। जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे कि चेहरे का कमाल है कि राष्ट्रीय जनता दल को हमने कहां से कहां पहुंचा दिया, आज देखिए उनका चेहरा तीसरी नंबर पे चले गया। अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी, उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। चुनाव नतीजों के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश से सिंहासन खाली करने की मांग की तो लगे हाथ चुनाव आयोग पर भी धांधली का इल्जाम चस्पा कर दिया। बोले, जनता ने तो वोट महागठबंधन को दिया, लेकिन एनडीए ने धन बल और छल के दम पर नतीजा बदल दिया। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है। ये कोई बिहार में पहली ऐसी कोई घटना नहीं है। 2015 में महागठबंधन जब बना था तो वोट जो है, जनादेश जो है, वो महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार में आई। तेजस्वी ने सवाल दागा कि महज 12,000 से ज्यादा वोट लेकर एनडीए को 15 सीटें ज्यादा कैसे मिल गई। सीधा इल्जाम लगाया कि महागठबंधन के लगभग 20 उम्मीदवारों को जानबूझकर हरा दिया गया। और महागठबंधन का कुल वोटों का अंतर 12,270 का है। अब 12,000 में वो उनको 15 सीट लीडिंग पे है, आगे एक रिजेक्ट समझ में आता है, 10 रिजेक्ट समझ में आता है, 50 रिजेक्ट समझ में आता है। 900 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं। वैलिड इनवैलिड बैलेट पेपर्स को सामने रखिए और रिकाउंटिंग कराया जाए, ये हमारे महागठबंधन लोगों की मांग है, उस पर रिकाउंटिंग कराया जाए। अब मैं आग्रह करूंगा सर्वसम्मति से महागठबंधन विधायक दल के नेता चुने जाए। इससे पहले आरजेडी विधायकों ने तेजस्वी यादव को अपना नेता चुना। पार्टी ने फैसला किया कि तेजस्वी यादव विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे। पार्टी नेताओं ने बैठक में भी चुनाव में धांधली होने का इल्जाम लगाया, लेकिन न्यूज 24 से बात करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने आरजेडी के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल की पहले बैठक हुई और उस बैठक में सर्वसम्मति से तेजस्वी जी को कौन खींच रहा है विधायक दल का नेता निर्वाचित किया गया। जनादेश का अपहरण किया गया है। धन बल और छल, इस देश के अरबपतियों का धन। हमारा सिस्टम में भी उन लोगों को दिखाया जहां उन लोगों को ये सूचना थी कि उनका कैंडिडेट जीत गया है। 100% कहीं भी थोड़ा सा भी गड़बड़ी नहीं हुआ है। उनको जो सीटें मिली हैं वो सीटें भी इलेक्शन कमीशन के जरिए आयोजित चुनाव और गिनती के बाद मिली। वो हार गए हैं तो हार स्वीकार करें, अपनी कमियां तलाशें। चुनाव नतीजों में तेजस्वी यादव भले ही बहुमत से चूक गए, लेकिन 75 सीटें हासिल कर आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ताकत बढ़ने से उत्साहित तेजस्वी आने वाली सरकार को 4 दिन की चांदनी कहने से भी नहीं चूके। सरकार में अगर जो लोग छल कपट धन बल के कारण जो लोग बैठ रहे हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि 4 दिन की ही चांदनी है, लेकिन अगर 19 लाख रोजगार, समान काम वेतन नियोजित शिक्षकों को, स्वयं सहाय समूह को अगर मानदेय, शिक्षा चिकित्सा अगर नहीं सुधरी जनवरी तक के महीने पर, तो हम महागठबंधन के लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव में बेहद रोमांचक मुकाबले में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए ने 243 सीटों में से 125 सीटों पर जीत का परचम लहराकर बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल किया है। वहीं महागठबंधन के खाते में 110 सीटें आई हैं। तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि वो जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, वो जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे, नई सरकार की नाक में दम करते रहेंगे। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।